जन ब्रेक थ्री हो गया है, यानी हमने 2.05 मेगा जूल एनर्जी कन्फाइनमेंट में डाला और 3.15 मेगा जूल एनर्जी आउटपुट में मिला। दोस्तों, ये न्यूक्लियर फ्यूजन के इतिहास में अभी तक की सबसे पहली सक्सेसफुल घटना है, जिसके बाद ऐसा लगता है कि अब 60-70 सालों में पहला कॉस्ट इफेक्टिव, जो हमारे पॉकेट पर असर ना डाले, ऐसा पावर प्लांट बना लेंगे जो कि हमारे सूरज के रूल पर चलेंगे। इससे हमारे पावर की रिक्वायरमेंट हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी और पूरी दुनिया में पावर की वजह से जो पॉल्यूशन आज हो रहा है, वो पावर बेस्ड पॉल्यूशन की समस्या भी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। आप इमेजिन करिए, आज से 200-300 साल या फिर उससे भी अधिक सालों में अगर इंसानियत सक्सेसफुली न्यूक्लियर फ्यूजन बेस्ड इंजीनियरिंग में महारत हासिल करती जाए और अगर साथ ही साथ हमारी पूरी मानव जाति जिंदा बच गई, यानी इस पॉल्यूशन के खतरे से, एक ऐसी कार जो न्यूक्लियर रिएक्टर पर चलेगी, जो कि कभी नहीं रुकेगी फ्यूल की वजह से, यानी अनलिमिटेड पावर होगा इस न्यूक्लियर रिएक्टर में। दूसरा, न्यूक्लियर रिएक्टर बेस्ड रॉकेट, जो कभी चिंता ही नहीं करनी पड़ेगी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स की, जहां मन चाहे जैसे मन चाहे ले जाओ। अल्फा हिलिसियम जैसे आर्टिफिशियल फ्यूचर बेस्ड ह्यूमन स्पेस प्लैनेट बेस्ड प्रोजेक्ट बनाने में और सदा के लिए चलाने में सबसे बड़ी चिंता यही है, इतनी एनर्जी, इतना पावर कहां से आएगा। अगर इस ब्रेक थ्रू के बाद भी इसे और फंडिंग मिलती जाए और टेक्नोलॉजी विकसित होती जाए, तो फिर समझिए इन सारे चीजों में भी चिंता खत्म। इवन हमें सन की जरूरत भी नहीं होगी, क्योंकि हमारे पास आर्टिफिशियल सन होगा। लेकिन कंट्रोल ऐसा होगा कैसे? दोस्तों, हम सब जानते हैं कि हम धरती पर जब आग जलाते हैं तो उसका कारण ऑक्सीजन है, लेकिन दोस्तों सन में ऐसे आग नहीं जलती, वहाँ पे तो हाइड्रोजन और हीलियम में न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। मतलब हाइड्रोजन और हीलियम को आपस में खूब ताकत से, एक्चुअली सन की ग्रेविटेशनल पावर से चिपका दिया जाता है, जिसकी वजह से खूब ज्यादा एनर्जी निकलती है, जिसकी वजह से वो पृथ्वी जैसी हजारों प्लैनेट्स को फ्री में एनर्जी बांट सकता है और ये क्लीन ग्रीन एनर्जी होगा। और यही दो एटम को चिपकाना न्यूक्लियर फ्यूजन कहलाता है। और जब साइंटिस्टों को ये पता चला तो साइंटिस्ट इसे खुद से करने लगे, यानी लैब में दो एटम को चिपकाने लगे। और इतना ही नहीं, ये सब पिछले 60-70 सालों से हो रहा है, लेकिन जिस टेक्नोलॉजी से न्यूक्लियर फ्यूजन में ब्रेक थ्रू हुआ है, वो पूरी दुनिया भर की टेक्नोलॉजी से अलग है और 60 साल पुरानी भी है। अभी तक के कुछ तरीकों से 95% चलने वाली टेक्नोलॉजी टोकामैक, जो कि डायरेक्ट एक ग्रेविटेशनल पुल बनाकर दो एटम्स को गर्म किया जाता है, और दूसरी जिसने ब्रेक थ्रू अचीव किया है, और वो लेजर की वजह से, यानी लेजर बेस्ड न्यूक्लियर फ्यूजन टेक्नोलॉजी है। और इसमें 2.05 मिलियन जूल, मतलब वही मेगा जूल मिलियन जूल एनर्जी डाला गया, 3.15 मेगा जूल एनर्जी आउटपुट में निकला। यानी ये बहुत ही छोटे लेवल पे बात हो रही है, बहुत ही कम एनर्जी निकली और पहली बार रिएक्टर से पॉजिटिव में एनर्जी निकली। नहीं तो अभी तक हम लोग सिर्फ हीटर बनाते थे जो कि खाली गर्म होता था। और ह्यूमन हिस्ट्री में पहली बार लॉरेंस लिवसमोर लैब में नेशनल इग्निशन फैसिलिटी ने ये आखिर अचीव कर लिया। तो इस लेजर टेक्नोलॉजी का बेसिक आइडिया क्या है? एक सिलेंड्रिकल चैम्बर में वो लेजर्स छोड़ते हैं और इस चैम्बर के बीच में एक ऐसा फ्यूल पैलेट रखा है, लेजर से उस पैलेट पर फोकस किया जाता है और लेजर उसे हीट करते हैं, कंप्रेस करते हैं। उस पैलेट में हाइड्रोजन और उसके आइसोटोप्स हैं जो कि फ्यूज होते हैं, जिसके बाद न्यूक्लियर चेन रिएक्शन शुरू होती है और ऐसा ही दशकों से होता चला आया है। दोस्तों, इसमें इमेंस स्पीड, यानी 300 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से लेजर उस पैलेट पे डालते हैं और फिर उस इनर्शियल कन्फाइनमेंट में फ्यूजन पॉसिबल होता है। इनर्शियल कन्फाइनमेंट इसलिए क्योंकि ये बहुत सारे डायरेक्शन से लेजर फोकस करवाता है, कन्फाइन करवाता है उस चैम्बर में। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज मेरे चैनल को अभी विजिट करिए, मैं हमेशा ही ऐसे टॉपिक्स पे वीडियोस बनाता रहता हूँ। दोस्तों, इसके बारे में डीप अंडरस्टैंडिंग हम अनदर वीडियो में बनाएंगे, और कमेंट करके अपनी बातें जरूर शेयर करिए। दोस्तों, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।